द बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मेडिटेशन वो कला है जो आपके जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। हमारी इस भागदौड़ भरी लाइफ में हर इंसान सुकून के दो पल तो डिजर्व करता ही है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर इंसान अपनी रेस जीतने की कोशिश कर रहा है, वहां मेडिटेशन वो टॉनिक की तरह है जो आपको कभी भी थकने नहीं देगा। ये आपको वो मेंटल पीस दे सकता है जिसकी आप तलाश में हो। ये आपको आपके इनर पीस से मिलाने की फुल गारंटी लेता है। सिर्फ आयुर्वेदा ही नहीं बल्कि ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव है कि मेडिटेशन आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है और ये इंश्योर करता है कि आपके दिमाग की नसों तक खून बराबर पहुंच रहा है। इन शॉर्ट अगर कहें तो मेडिटेशन पूरी तरह से आपकी गुड हेल्थ की एक मास्टर की हो सकती है। तो आज के इस बुक समरी में हम मेडिटेशन के सबसे बड़े सोर्स और प्रैक्टिस की बात करेंगे जो है जैन बुद्धिज्म। ये एक तरह का रिलीजन है जो चाइना एंड जापान से ओरिजिनेट हुआ है। ये रिलीजन आपको मेडिटेशन की सही प्रैक्टिस और इसकी आपके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस को बताता है। क्या आप भी अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हैं? क्या आप अपनी परेशानियों को इंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप भी थोड़े में बहुत सुकून पाना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस ऑडियो बुक के एंड तक। हम सभी ये बात जानते हैं कि बुद्धिज्म एक इंडियन रिलीजन है जो बुद्धा की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स को मानता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे आप अपने इनर पीस, इंट्यूशन, सेल्फ कंट्रोल और अपने आप पर पूरा भरोसा रखकर इस दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। इसको समझने के लिए आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक मंक ने देखा कि उनका एक शिष्य काफी उदास रहने लगा है। ना तो उसे खाना अच्छा लग रहा है, न ही सोना। किसी बात से वो काफी परेशान है, तो उन्होंने एक डिब्बी में नमक लिया और उनके स्टूडेंट को लेकर जंगल में निकल गए। वहां वो एक झोंपड़ी में गए जहां टेबल पर एक पानी का ग्लास रखा हुआ था। उन्होंने वो डिब्बी का पूरा नमक उसमें डाल दिया और अपने स्टूडेंट से कहा कि उसे टेस्ट करें। सबने टेस्ट किया और बताया कि ये तो काफी खारा लग रहा है। उसके बाद वो आगे बढ़े और एक नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने उतना ही नमक उस नदी में डाल दिया और अपने स्टूडेंट से उस पानी को टेस्ट करने के लिए कहा। अब उनके शिष्यों ने कहा कि ये पानी तो काफी फ्रेश और मीठा लग रहा है। तब उन्होंने ये समझाया कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम इस नमक की तरह है और जो पानी है वो है आपका माइंड। अगर आप अपने माइंड को एक ग्लास के जितना छोटा और नैरो रखेंगे तो आपको हर परेशानी खारी लगेगी। वही अगर आप अपनी मेंटेलिटी इस नदी की तरह ब्रॉड रखेंगे तो कोई भी परेशानी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती। इस एक बात ने कितनी आसानी से उस शिष्य की सोच बदल दी। अगर आप किसी भी परेशानी का सामना खुले विचारों से करेंगे तो उसके पीछे छुपा सोल्यूशन आपको दिख ही जाएगा। आप इतने कैपेबल तो हैं ही कि अपनी लाइफ की सॉल्टीनेस को इजिली डायल्यूट कर सकें। जैन बुद्धिज्म का मेन प्रिंसिपल भी यही है कि इंसान अपने डीपर माइंड स्टेट को इतना पॉजिटिव बना दे कि उसे कभी निगेटिविटी अपने झांसे में फंसा ही न सके। जैन बुद्धिज्म हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, न ही आपकी खुशी, न ही दुख और न ही परेशानियां। एक न एक दिन ये सब चेंज हो ही जाएगा। ये एक्सेप्टेंस हमें रियलिटी को फेस करने की हिम्मत देता है और हम इस दुनिया की फेक डिजायर्स और लालच से अपने आप को बचा लेते हैं। जैन बुद्धिज्म कोई बहुत डिफिकल्ट रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बुद्धिस्ट हैं तभी इसकी टीचिंग या फिलॉसफी को समझ सकते हैं या मान सकते हैं। इनफैक्ट जैन बुद्धिज्म लर्निंग बाय डूइंग की फिलॉसफी पर यकीन रखता है। ये रिलीजन सिर्फ किताबी नॉलेज या फिर लेसन को रट्टा मारने पर विश्वास नहीं रखता बल्कि अपनी अंतरात्मा को सही तरीके से समझकर अपने थॉट्स और एक्शंस को प्यूरिफाई करता है। तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे जैन बुद्धिज्म की टीचिंग्स और प्रीचिंग से अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस को बदलकर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सुकून अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने रोजाना के टाइम से 30 मिनट जल्दी उठिए। जल्दी उठना हमेशा से ही बहुत रिलैक्सिंग माना गया है। ये आपको जल्दबाजी, डीले, स्ट्रेस सबसे दूर रखता है। आप अपने हर काम को आराम से इंजॉय करते हुए पूरा करते हैं, ना कि हड़बड़ी में। इसके बाद सुबह उठते ही आप सबसे पहले फ्रेश एयर लीजिए, भले ही अपने कमरे की खिड़की खोलकर। ये आपके रूम में ताजगी भरने के साथ साथ आपके मन को, दिमाग को और सोल तीनों को प्यूरिफाई कर देगी। फिर आप अपना सारा दिन फ्रेशनेस से निकाल पाएंगे। आपको किसी भी काम में थकान नहीं महसूस होगी। फिर आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम को क्लीन कीजिए।
भले ही आप ऑफिस जाते हो, अब आप जल्दी उठते हैं, तो आपको कोई जल्दबाजी तो नहीं है, एटलीस्ट अपना बेड तो साफ कर ही सकते हैं। आप दिन भर में से 10-15 मिनट तो अपने कमरे को साफ करने में लगाइए, ये आपको आपके माइंड की गंदगी भी साफ करने में मदद करेगा। याद रखिए, क्लीन होम क्लीन लाइफ। आप एक समय में एक ही काम कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, न कि आप खाने के साथ साथ अपने फोन का भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जो खा रहे हैं उसे बराबर चबाइए, उसे महसूस कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और एक समय में एक ही काम करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। इसके बाद आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए, अपने टाइम को बराबर मैनेज कीजिए। डिफिकल्ट काम आप पहले कर लीजिए ताकि एंड में कोई परेशानी ना हो। याद रहे, आप समय समय पर अपने दिमाग और बॉडी को उसके हिस्से का प्रॉपर रेस्ट भी देते रहें। फोन स्क्रॉलिंग या ईमेल चेकिंग ब्रेक्स में नहीं आता है। लाइट स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। आप एकदम पेट भरकर खाना मत खाइए, 20% की भूख रखना। जैन बुद्धिज्म का एक प्रिंसिपल है, ये आपको आलसी और ओबेसिटी दोनों से बचा सकता है। अगर आप चाहें तो शाम के वक्त वॉकिंग मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपको काम के बाद भी फ्रेशनेस देगा और आपको मेडिटेशन के लिए अलग से वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। अब आप ऑलरेडी काम करके थक चुके हैं तो अपनी इवनिंग्स को थोड़ी रिलैक्सिंग रखिए। कोई भी प्रेशराइज्ड वर्क या डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को दूर रखिए। अपनी शाम को म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए, इसे अपना मी टाइम बनाइए। ऐसे आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। लास्ट में सोने से पहले अपने पूरे दिन की हर अच्छी या बुरी बात के लिए थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है, जिसकी आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको सुकून की नींद भी आएगी और आप अगले दिन फ्रेश उठेंगे। जैन बुद्धिज्म की प्राइमरी मेडिटेट प्रैक्टिस है, इसलिए इस रिलीजन में सीटेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस को जाजन कहा जाता है। जाजन का मेन प्रिंसिपल है कि इंसान अपनी लाइफ की हर चीज हर सिचुएशन में कंप्लीट एक्सेप्टेंस हासिल कर ले। इस प्रैक्टिस से आप बिना किसी फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रैक्शन के अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी जजमेंट्स के, बिना अपने पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर डिजायर्स के। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को समझकर उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब आप किसी भी चीज को अपने दिलो दिमाग से स्वीकार कर लेते हैं, तब उस चीज से आपको कभी भी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, भले ही फिर वो आपको अच्छी लगे या बुरी। आप अपने माइंड को उस चीज पर सेटल कर चुके होते हैं जो आपको हर तरह की बेचैनी से दूर करता है। जाजन आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है, आपकी मेंटेलिटी ब्रॉड करता है और आपको इनर पीस देता है। तो आइए हम आपको इस बुक समरी में जैन बुद्धिज्म की फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। हमने अभी तक जितना इस रिलीजन के बारे में जाना है, तो हम कह सकते हैं कि जैन बुद्धिज्म मेनली हमें अपनी अंतरात्मा को सही तरीके से समझने की शिक्षा देता है। हर इंसान के अंदर एक बुद्धा छुपा होता है, हमें बस उसे उजागर करने की जरूरत है, और इसका एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। इस रिलीजन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की हर परेशानी की जड़ है आपका दिमाग। अगर आप अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। ओवरथिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, उससे बाहर निकलना है तो मेडिटेशन कीजिए। कॉल्मनेस रिलैक्सेशन आपके माइंड के वो दोस्त हो सकते हैं जो आपका हाथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे। अपने मेंटल पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको मेंटली फिट रखने के साथ साथ फिजिकली भी हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि उससे आपके शरीर में खून का दौरा सही होता है, जो हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक जैन बुद्धिस्ट का मेन गोल ही ये रहता है कि वो अपने मेडिटेशन से निर्वाण की स्टेट हासिल कर ले। निर्वाण उस स्टेट को कहा गया है जहां आप अपने आप को इस दुनिया की फॉल्स डिजायर्स और उनसे जुड़ी सारी परेशानियों से मुक्त कर लेते हैं और एक प्योर पीस की जिंदगी जीते हैं। तो चलिए जैन बुद्धिज्म की कुछ की फिलॉसफी की बात करते हैं जो आपको पीस दिला सकती है। पहली है एम्प्टीनेस। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये टीचिंग हमें नॉन इगोइस्टिक बनाती है। दूसरी है नॉन ड्यूअल नेचर। इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, सही और गलत, ठंडा और गर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, ये सब एक ही रियलिटी के दो पहलू हैं। तीसरा है इम्परमेनेंस।
ये दुनिया नष्ट होने वाली चीज है और यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। फिर चाहे आपके सुख हो या दुख हो, ये सीख आपको चीजों को लेट गो करना सिखाती है और हर सिचुएशन को वो जैसी है उस तरह एक्सेप्ट करना सिखाती है, ताकि आप इच्छाओं और लालच से सेफ रह सकें। चौथा है कौन प्रैक्टिस। कौन का मतलब होता है वो मंत्र या स्टेटमेंट जो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते वक्त दोहराए। ये मंत्र इतने पावरफुल और पॉजिटिव होते हैं जो कंटिन्यूअस रिपीटेशन से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में बैठ जाते हैं। फिर नेगेटिविटी आने का तो सवाल ही नहीं रहता। कॉन्स जैन बुद्धिज्म की की टीचिंग्स माने जाते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही आपकी सोच बदलने का इजी और सेफेस्ट तरीका है। पांचवा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इस रिलीजन में आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू सारी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स समझाई जाती है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग के बुक समरी में एक ऐसी ही कहानी सुनाई थी। छठी है माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट सिचुएशन और मोमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखना। इस टीचिंग के अकॉर्डिंग इंसान को अपने थॉट्स और एक्शंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज हम मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं। जैन बुद्धिज्म एक बहुत ही सूदिंग और हार्ट वार्मिंग एजुकेशन है। इसकी टीचिंग्स और फिलॉसफी आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकती है, आपके ह्यूमन नेचर का एक नया वर्जन दे सकती है जो आपकी लाइफ को ईजी बना देगी। उम्मीद है आपको हमारा ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा टच किया? किस पॉइंट पर आप सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक और नई बुक समरी के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।